हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा मार्वल स्टूडियो की न्यू अपकमिंग मूवी डेडपूल 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। वैसे तो इस महीने में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि डिज्नी प्लस की न्यू अपकमिंग टीवी सीरीज आ रही है मून नाइट, पर इसी मंथ डेडपूल 3 से रिलेटेड अपडेट आया तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और मैं तो डेडपूल को हर नए अलग वर्जन में देखना चाहता हूँ, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो एलिगेटर लोकी जैसा हो। मैं तो चाहता हूँ कि डेडपूल का हमें हर वर्जन देखने को मिले एमसीयू में, और एमसीयू में क्रॉसओवर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो शायद फ्यूचर में हमें बहुत ही अच्छा क्रॉसओवर भी देखने को मिले। तो अब हाल ही में एक ब्रेकिंग अपडेट आया है, और आपने रिसेंट में रिलीज हुई मूवी द एडम प्रोजेक्ट तो देखी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स में हिंदी में अभी तक नहीं देखी तो जाके चेकआउट करोगे, बहुत ही कमाल की मूवी है। और उसी के साथ सेकंड मूवी एक और देखी होगी जो कि साइंस फिक्शन थी, फ्रीक आई, बहुत ही कमाल की मूवी थी। तो इन दोनों मूवी के जो डायरेक्टर हैं, जो उनका नाम है शॉन, उन्होंने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो एमसीयू के अंडर काम कर रहे हैं, और रियान ने इसको ऑफिशियली स्टेटमेंट में ये कहा कि वो डेडपूल 3 पे काम कर रहे हैं, और फाइनली कंफर्म हो चुका है कि शॉन ऑफिशियली डायरेक्ट करेंगे डेडपूल 3 को। जी हाँ, ये एक ब्रेकिंग अपडेट है जो कि एकदम ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। उसी के साथ पुराने राइटर्स भी रिटर्न हो रहे हैं जो कि डेडपूल 1 और 2 के थे, पॉल और रिचर्ड, ये दोनों भी रिटर्न आ रहे हैं और डेडपूल 3 पर ये काम करेंगे। तो भाई मजा आने वाला है। और फाइनली पुराने राइटर्स, एक न्यू डायरेक्टर जो कि ऑलरेडी रैन के साथ काम कर चुके हैं, तो डेडपूल 3 तो कमाल की बनने वाली है। आपको ये अपडेट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो मॉर्बियस की रनिंग टाइमिंग कन्फर्म हो चुकी है जो कि है 1 घंटा 44 मिनट्स। जी हाँ, रन टाइमिंग कंफर्म है, और फाइनली हमें इस पर स्पाइडरमैन के कैमिज भी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ एक और कंफर्मेशन अपडेट जो कि बहुत ही कमाल का है, बेयरवुल्फ, जो कि डिज्नी प्लस की न्यू अपकमिंग टीवी सीरीज है, हमें वैम्पायर के साथ साथ बेयरवुल्फ भी देखने को मिलेंगे। तो उनके डायरेक्टर भी कंफर्म हो चुके हैं जो कि हैं माइकल, तो माइकल इसको ऑफिशियली डायरेक्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस सीरीज में ब्लेड अपनी सोलो मूवी से पहले एक कैमियो देने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी हमें इंटरनल्स में कैमियो देखने को मिल चुका है जो कि वॉइस के थ्रू था, पर अब साथ साथ हमें फर्स्ट कॉस्ट्यूम के साथ इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और अभी हाल ही में एक रूमर आया है बहुत ही तगड़ा, निकोलस केज जो कि गोस्ट राइडर का कैरेक्टर प्ले करते थे, रूमर्स ये आ रहे हैं कि शायद वो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी देखने को मिल सकते हैं। और उसी के साथ एक कन्फर्मेशन जो कि ओल्ड अपडेट है, ठीक है, कह सकते हो कि पुराना अपडेट, जो कि है जॉन का। जॉन एक्चुअल में एक्समैन न्यू म्यूटेंट्स में मिस्टर सिनिस्टर का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। और इसी के साथ 3 न्यू ब्रांड न्यू पोस्टर मून नाइट्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं, और भी काफ़ी सारी इमेजेस रिलीज हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज के दिन मॉर्निंग में हमें एम्पायर मैगजीन ने नया लुक दिखाया डॉक्टर स्ट्रेंज का, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। और एक और पोस्टर आया है सामने जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ न्यू रिलीजिंग डेट डीसी यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी की आप खुद मेरी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। और उसी के साथ ब्लैक एडम, शज़ाम 2, एक्वामैन 2, स्प्लैश की सबकी रिलीजिंग डेट चेंज कर दी गई है। और अब बात करते हैं अल्टरनेट वर्जन कौन सा पार्ट की, जो कि स्कारलेट विच का, जो कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखने को मिलेगा एक्यूरेट। तो ये फाइनल सूट है जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। और देन उसी के साथ सैमुअल जैक्सन ने अभी हाल ही में एक न्यू टी शर्ट के साथ पिक खींच के डाली है, जिसमें कि उन्होंने सीक्रेट इन्वेंशन यानी निक फ्यूरी का कैरेक्टर रिवील्ड करा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसी के साथ आज का एक और फाइनल ब्रेकिंग अपडेट, आज रिलीज होने वाला है द बॉयज का फर्स्ट टीजर। तो जैसे ही टीजर आएगा मैं आपको तुरंत इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो जाके फॉलो कर लो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।